वीडियो के थर्ड पार्ट में आपने देखा कि हितांशी की सौतेली माँ और बहन उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और एक दिन हितांशी की सेहत खराब हो जाती है। तब तुषार के समझाने पर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब आगे। अरे सब लोग कहाँ गए? अरे तुम कौन हो? वो मैं हितांशी हूँ। अरे रश्मि कहाँ, जरा बाहर तो आना। अरे माँ पागल, कब से अंदर क्या कर रही थी तुम? वो मैं थोड़ा काम में थी माँ। नमस्ते। ठीक है सदा स्वागत रहो। वैसे ये लड़की कौन है? ये हमारी लड़की है, मैंने और तुषार ने हमेशा के लिए इसकी जिम्मेदारी ले ली है। क्या, ये सब कब हुआ और किसको पूछकर तुषार ने इसे अपनाया? मैं तीर्थ यात्रा पे क्या चली गई, तुम लोगों ने ये सब कर दिया? माँ वो सब इतनी जल्दी में हुआ ना, तो तुषार ने सोचा कि जब आप घर पे आओगे ना तो अच्छे से आपको बताएंगे। मुझे तो लगता है तूने ही तुषार को भड़काया होगा। तुषार तो बहुत बोला है, तूने ही बोला होगा कि इसको यहाँ पे रखते हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो मुझे कुछ सुनना नहीं है। क्या सही है क्या गलत है वो मैं सब शाम को सुन लूंगी। तब तक इसको मेरे सामने मत लाना, ले जाए यहाँ से। तुषार मुझे जवाब तो दो, ये लड़की कौन है और तुमने मुझे पूछे बिना इसकी जिम्मेदारी क्यों ली? दरअसल ये मेरे दोस्त की बेटी है, मेरा दोस्त अभी दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मैंने हमेशा के लिए इसकी जिम्मेदारी ली है। तुषार लेकिन तुम इसे अनाथ आश्रम में भी सौंप सकते थे, इसकी तरह हजारों बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ मुझे लाखों बच्चों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कम से कम एक बच्चे की जिम्मेदारी तो मैं ले ही सकता हूँ। हाँ माँ, और लड़की बहुत अच्छी है। तुम बीच में बोल के इसे तरदारी मत करो। तुषार तुम मेरी बात सुनो। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये लड़की यही रहेगी, यही मेरा आखिरी फैसला है, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देख रश्मि, ये तुषार तो पागल हो गया है, तू ही इसको समझा, ये बिन फालतू की मुसीबत ना पाले वरना वो पछताएगा। माँ ये आप क्या कह रही है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया और आप उल्टा उनको ही समझाने के लिए बोल रही है। दादी आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हुआ? मैं कोई तेरी दादी बादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आन्या की दादी हूँ। चल आन्या। अन्या तेरा होमवर्क हो गया? हो गया, होमवर्क हो गया। ए लड़की तू यहाँ क्यों बैठी है, तेरे बाप का घर है, चल जा यहाँ से। क्यों दादी क्या हुआ? तू होती कौन है मुझे सवाल करने वाली? और सुन मैं तेरी दादी बादी नहीं हूँ, समझी? किलो आनन्या बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाई हूँ। वाओ ये खाके तो मुझे मजा आएगा। मुझे भी चॉकलेट दो ना दादी। दादी दीदी को भी चॉकलेट दो ना। नहीं बेटा ये चॉकलेट सिर्फ तुम्हें ही खानी है, और सुन ये तेरी दीदी बीदी नहीं है। चलो बेटी मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। सुन रश्मि तू इतना ज्यादा इस लड़की को प्यार मत कर, वरना तुझे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। माँ जी आगे भी मैं हितांशी के साथ बहुत गलत कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। क्या कर लेगी तू? तुम अपने काम से काम रखो रश्मि, वरना तुम्हारा और इस लड़की का वो हाल करूंगी कि तुम दोनों घर छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। ठीक है माँ जी, वो तो देखते हैं। चलो बेटा। मुझे बोलने वाली कि मैं इसे साथ में ले जाऊं, ये लगती क्या है मेरी? माँ जी आप हम दोनों से नाराज है ना, लेकिन उसमें छोटी सी बच्ची की क्या गलती है? सुन मुझे तेरा कोई भाषण सुनना नहीं है, मैं इसे नहीं ले जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है फिर हितांशी को घूमने मैं लेके चले जाऊंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कल मेहमान आ रहा है तो चुपचाप तुम दोनों घर की सफाई करोगे। ठीक है माँ जी मैं सफाई कर लूंगी, लेकिन ये नहीं करेगी। सुन मेरी बात, तुम दोनों को सफाई करनी है, जाओ अंदर तुम दोनों सफाई करो। चल अन्या। रश्मि
अकेले ही काम कर रही हो? मैंने बोला था ना उसको भी साथ में काम करवाना। नहीं बाजी, मुझे माफ कीजिए, मैं हितांशी से कोई काम नहीं करवाऊंगी। चल छोड़, तुझसे कुछ नहीं होगा, कल मेहमान आने वाले हैं, जाओ और बाहर से मिठाई लेके आ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाके आती हूँ। और हितांशी बेटा, तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? ठीक है माँ। रश्मि तो बाहर गई है, अब इसको बताती हूँ। ए लड़की, चल शुरू हो जा काम करने लग, झाड़ू पोछा करने लग। नहीं मैं नहीं करूंगी, माँ ने मुझे मना किया है। अच्छा, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? चुपचाप काम कर, वरना चांटा लगाऊंगी। दादी आप मुझे हमेशा डांटते क्यों हो? क्योंकि तू मेरी पोती नहीं है, समझी? चल जा काम कर। मुंबई से सुना आपके पैर में बहुत बड़ी मोच आ गई, अभी आपको कैसा लग रहा है? पहले से काफी बेहतर है बेटा, लेकिन सिर्फ हितांशी के ही कारण। क्या हितांशी के कारण? वो कैसे? बेटा एक हफ्ते से इसने मेरी इतनी सेवा की है कि पूछो ही मत। मैंने आज तक उसको पराई समझती रही, लेकिन उसने मेरी बहुत सेवा की है। हाँ तुषार, हितांशी ने माजे की दिन रात सेवा की है। हाँ तुषार, अनजाने में मैंने इसके साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन सच में इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन हितांशी को जरूर अपना लोगे, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। हाँ बेटा, सच में हितांशी बहुत ही प्यारी लड़की है, मुझे आज एहसास हो गया, और आज मेरे लिए आन्या की तरह ही वो मेरी पोती है। थैंक यू दादी। दादी अब दीदी को भी आइसक्रीम खिलाने ले चलोगी ना? हाँ बेटा, अब हम साथ में जाएंगे सब आइसक्रीम खाने। चलो चलते।